सी, ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है, ये क्लासेव है, ठीक। और इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो है वो फंगी है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो जो क्लासेव है इसके काफी हार्मफुल एक्सपर्ट्स हैं, यूजफुल एक्सपर्ट्स जो हैं बहुत कम हैं, ठीक। इसके कितने स्पीसीज हैं, इसके 12 स्पीसीज हैं, जिसमें से 8 जो स्पीसीज हैं आपके इंडिया में रिपोर्टेड होते हैं, मतलब आपके इंडिया में मिलते हैं, पाए जाते हैं। और हम इसकी बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बेसिकली ये कौन सी कहाँ पे जो इसका मतलब इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट वो कहाँ पे होता है। तो जितने भी पोएसी फैमिली के ग्रेन्स होते हैं, जितने भी पोएसी फैमिली के जीन्स होते हैं वो उन पे होता है। तो ये पोएसी फैमिली है क्या, पोएसी फैमिली है क्या? तो पोएसी फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे ग्रेन्स आते हैं, ठीक, वेयर ग्रेन्स आर इन्वॉल्व। जैसे कि ग्रेन्स में कैसे ग्रेन्स, जैसे कि आप रुकिए, ग्रेन्स में आपके जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया और गेहूं हो गया, ये सब आपके ग्रेन्स हैं, ठीक। तो बेसिकली जो ये सब ग्रेन्स हैं इन्हीं पे ये क्लासिव होता है। और जो ये चीज है, ये चीज होता है, इसको इरोट कहते हैं, इरोट डिसीज। ये आपकी ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स और प्लांट्स पे भी इफेक्टेड होता है, ओके। और इसका जो हम देखें तो ये जो है बहुत भयंकर डिजीज फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है उसको कट डाउन करना पड़ता है। अदरवाइज इन्फेक्शन जो लेवल है वो बहुत हाई रेटली रेपिडली वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। ये करता क्या है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है एज वेल एज ब्लड वेसल्स के साथ साथ ये नर्व सिस्टम को इफेक्टिव मतलब क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इन दोनों चीज पे वो इफेक्ट करता है। तो ये देखिए बेसिकली आप समझ रहे होंगे ये किसका है, ठीक, ये किसका पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये वीट का है, धान जिसको, और ये धान भी है। तो धान मतलब हो गया आपका चावल और वीट मतलब गेहूं, ठीक। तो ये जो है ये गेहूं का है। नाउ क्लैसिव, क्लैसिव की हम बात करें तो इसका डिवीजन जो है यूमाइकोटा और सब डिवीजन एस्कोमाइटिनिया। एज प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज बोथ, ठीक। जैसे कि हम ये दोनों देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अभी तक हमने जितना भी फंगल के पढ़े हैं उन सारे फंगल्स के एस्पेक्ट में ये आ रहे हैं, ठीक, जितने भी हमने फंगी पढ़े हैं। और चीज हम देखें तो अगर हम इसके क्लास की बात करें तो इसका क्लास क्या है, इसका क्लास है पेरीमाइसिटीज। ऑर्डर क्या है, सेफ्रेल्स और फैमिली क्लासिफेटीज और जीनस जो है वो क्लासिफ है। तो ये क्लासिफ है जो ये जो चीजें हैं बेसिकली इसी के बारे में पूरा स्टडी होगा, क्योंकि इसी वजह से काफी जो फसल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक। अगर हम देखें तो इसके ओकरेंस की हम बात करें तो इसके ओकरेंस में हम ये देखेंगे कि ये पैरासिटिक है। और ये क्या होता है, ये कहाँ इफेक्टिव करता है, ये इफेक्टिव करता है ओवरी पार्ट पे, ठीक, जो प्लांट्स का ओवरी पार्ट होता है ये वहां पे इफेक्टिव करता है। साथ ही साथ जो पैरासिटिक ऑन द ओवरीज ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड क्रेल्स, क्रेल्स मतलब अनाज सच एज वीट, ज्वार, एसेट। ज्वार क्या होता है, मक्का, ठीक। तो वीट, ज्वार, इन सब चीजों पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है। एसेट्रा मतलब ये पोएसी फैमिली ही है, ठीक। तो पोएसी फैमिली में हम जानते ही हैं क्या क्या इंक्लूड, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इसके बारे में। अगर हम इसके इस जीनस की बात करें तो इसके जीनस जो है वो 12 स्पीसीज हैं, जो कि पोएसी
दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन बेसिकली 8 जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में आपके पाई जाती है, ठीक। और इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली चीज तो ये क्या है, ये आपका जो है फैगेटिव पैरासाइट है। फैगेटिव पैरासाइट क्या होता है? फैगेटिव पैरासाइट स्पेरोफाइट वो होता है, ये इस तरह का पैरासाइट होता है जो कि आपके जो होस्ट है, ठीक है, जिससे वो मतलब खाना पीना ले रहा है उसको पूरी तरह से डैमेज कर देगा। और ये फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट वो स्पोरोफाइट होता है कि ये किसी भी नॉन लिविंग पे नहीं जाएगा। अभी तक जो हम स्पोरोफाइट पढ़ते थे, तो वो हम क्या पढ़ते थे कि स्पोरोफाइट जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड रिसोर्स ले रहा है, वहां से अपनी ग्रोथ रेट कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में ये नहीं है। फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट वो होते हैं स्पोरोफाइट जो कि नॉन लिविंग से ना लेके बल्कि लिविंग, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उनसे इनग्लव करते हैं, इनहेलिंग करते हैं, और जो उनका होस्ट होता है, ठीक, उनका जो होस्ट होता है उसको पूरी तरह से वो डैमेज कर देते हैं, पूरा खराब कर देते हैं, ठीक। साथ ही साथ ये क्या है, इट्स वेजिटेटिव स्टेज इज वेरी शॉर्ट। इसका जो वेजिटेटिव स्टेज है बहुत छोटा सा है, मतलब जब ये कहते हैं वेजिटेटिव स्टेज, ये स्टेज होता है जब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस स्टेज में कहते हैं वो रिप्रोडक्ट करता है अपने को, ठीक, मतलब उसे अपने ग्रोथ करता है, तो बहुत छोटा स्टेज होता है। क्यों छोटा स्टेज होता है? जैसे कि ये हो गया, कोई इंसेक्ट आया, समझे बी है, ठीक है, ये बी आ गई। अब इस बी ने क्या काम किया कि वो बी आई और इस पे बैठ गई, ठीक। इस पे बैठने के बाद क्या किया कि इसका ये जो है इस एरिया में इस पे स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद क्या है, एक अच्छी जगह फिर बैठ गई, बेकार से फिर एक अच्छी जगह बैठ गई। तो इसने क्या किया, इस बी ने उसको कंटेमिनेट करने का काम किया, मतलब एक जगह से डस्ट जो था, जो स्पोर्स था, उसको फैलाने का काम किया। साथ ही साथ उसने और क्या काम किया, बी ने यहाँ तो फैला दिया। अब यहाँ फैलाने के बाद सपोज यहाँ पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं पेड़, ठीक, ये पेड़ लगे हुए हैं। तो जब बी यहाँ पे आई, इसे बैठ के इस पे फैलाई, तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा रूल जब हवाएं चलेंगी, ठीक, जब विंड फ्लो होगा, तो जब यहाँ पे जैसे ये खराब एरिया है तो दूसरे वाले एरिया पे जाके जब स्टिक हो जाएगा तो ये क्या होगा, वहां भी वो एरिया वो खराब करने लगेगा। बेसिकली कहाँ ये होता है, ये ओवरी पार्ट में होता है, ठीक, प्लांट के ओवरी पार्ट में। तो इसीलिए इसका वेजिटेटिव स्टेज जो है बहुत इजी है। और चीज हम देखें इसके बारे में, तो हम देखते हैं ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लियेट। कहने का ये मतलब है कि इसके हर एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बने हुए हैं। द हाइफन कैन ओनली बी सीन इन द इन्फेक्टेड ओवरी ऑफ द होस्ट प्लांट। कहने का ये मतलब है कि इसका जो हाइफन है, इसका जो, क्योंकि ये हाइफन जो है इसी पे पूरा अटैच होता है, पूरा बेस होता है। कोनिडिया किस पे बनाते हैं, कोनिडियो फोर पे बनाएंगे ना, जो कोनिडियो फोर होता है इस तरह से होता है, और जो कोनिडियाज होते हैं ऐसे लगे होते हैं, जैसे कि हमने पहले सीलियम पढ़ा था, एस्परमाइगस पढ़ा था, तो इसमें क्या था, यही था, ये कोनिडियो फोर था, ये कोनिडियाज थे, और एक स्टिगमाटा था और ये वेसल्स था। तो जो कोनिडियो फोर पे जो कोनिडिया अटैच होते हैं वो कोनिडिया बहुत ज्यादा ही बहुत जल्दी फैल जाते हैं। और वो किस पर अटैच होते हैं, कोनिडियाज, कोनिडियो फोर जो है हाइफन पे होते हैं। तो हाइफन हम बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, हमको हाइफन जो है हमको वो होस्ट प्लांट में, मतलब वो जो इन्फेक्टेड ओवरी है उस जगह हमको हाइफन देखने को मिलेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो हम देखते हैं कि कोनिडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द कोनिडिया फोर कॉमा हाइफन। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है वो कोनिडिया फोर पे होता है, और वो जो कोनिडिया होता है वो किससे बना होता है, वो हाइफन पे बना होता है, ठीक। द कोनिडिया आर कैरिड बाय इंसेक्ट हेल्थी बट टू द हेल्थी ओवरी ऑफ द अदर प्लांट वेयर दे कॉज इन्फेक्शन। कहने का ये मतलब है कि जो कोनिडियाज है, क्योंकि ये बी आई, जैसे कि बी आई या के स्टिक हो गई, तो इसने क्या किया, एक कोनिडिया को इसने कैरी कर लिया, मतलब स्टिक हो गया कोनिडिया इससे, तो क्या हुआ, इसने एक कोनिडिया कैरी कर लिया। अब ये हेल्थी प्लांट को जाके जब स्टिक कर देगी तो उसने क्या काम किया, उसने कोनिडिया को ट्रांसफर करने का काम कर दिया बी ने, जिससे क्या होगा कि जो अभी तक तो इन्फेक्टेड था वो तो हो ही रहा था, ट्रबल वो कर ही रहा था,
खराब हो ही चुका था, अब जो वेल है, जो अच्छा है, वो भी क्या हो जाएगा, इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो जो इन्फेक्टेड ओवरी की वजह से जो हेल्थी ओवरी है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, और वो जो एक वो भी एक अच्छा खासा होस्ट बन जाएगा। ओके, द ओवरी इनलार्ज एंड बिकम स्पॉन्जी, कहने का ये मतलब है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है ओवरी को, हेल्थी ओवरी को, तो ओवरी कैसी हो जाती है, तो ओवरी जो है, जैसे ये है, ओवरी इनलार्ज हो गई है, ये हेल्थ, ये क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड थी, इन्फेक्टेड से यहाँ पे ये बी आई, सपोज ये बी है आपकी, ये बी आई, अब इस बी ने क्या काम किया कि इसने ये ओवरी को क्या किया, अपने साथ अटैच कर लिया, अब ये इस पे गई, तो ये जो अच्छे खासे थे, ये ओवरी जो अच्छे हेल्थी, ये प्लांट है, ये हेल्थी प्लांट क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, और ये जो क्या है, ये ओवरी जो है वो क्या हो जाती है, एकदम फूल जाती है, स्वेलन अप हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है, जब ये कहते हैं इनिशियल स्टेज है, ये फूल रही है, फूलने के बाद ये कैसी हो जाएगी, इस तरह से दिखने लगेगी, मतलब इतना लंबा सा एक लॉन्ग फॉर्म बना के वो स्वेलन हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से वो खराब हो चुकी है अब, और यही कि क्या होते हैं, गाय लोग गई ग्रासिंग ग्रेजिंग करने, तो जब गाय लोग ग्रेजिंग करती हैं तो उनके जो फूड्स होते हैं, जो हुक होते हैं, ठीक, जैसे कि गाय का पैर है, समझिए पैर ही उसका हुक है, तो उनके वो हुक में लगता रहता है, तो ये क्या होता है कि उससे यहाँ पे इनके पे भी इन्फेक्शन फैलता है, और ह्यूमन पे कैसे इन्फेक्शन पड़ता है, ह्यूमन पे इस तरह से इन्फेक्शन पड़ेगा कि ये खराब है, वो गए का काम किया, या फिर ये कहते हैं इधर उधर टहल रहे थे, तो ये जो इन्फेक्शन, ये ह्यूमन पर हाथ होत में, पैर और में लगने से इन्फेक्शन धीरे धीरे सेल के थ्रू जाने लगेगा, या फिर कोई कटा उटा एरिया है, जैसे कि हाथ में हल्का फुल्का कट गया, तो वो ब्लड के थ्रू जाता है, क्योंकि इसका क्या काम है, इसका काम यही है कि ये ब्लड को एज वेल एज नर्व सब सिस्टम को डैमेज करने का काम करता है, जिसको हम इरोटिक डिसीज बोलते हैं। देखो ये था इसके एक एक दाने, जैसे मतलब कैसे उभर उभर के आ गई है, ठीक, ये इरोट है, उसी प्रोसेस को हम इरोट भी बोलते हैं। सी नाउ एट मेच्योरिटी द माइसीलियम फॉर्म क्लेस्ट्रोडिया एंड इट एंड दिस स्टेज इज बिकम ओवरी ऑक्यूपाइड फंगल हाइफन, कहने का ये मतलब है कि जब वो क्या कहते हैं, ये मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, इनिशियल स्टेज क्या था, इनिशियल स्टेज आपका ये स्टेज था, जब ये खराब हो रहा है, ठीक, ये जो स्टेज है ये आपका इनिशियल स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज क्या है, ये स्टेज है, जब ये पूरी तरह से खराब हो चुका है, ये स्टेज आपका मैच्योरिटी स्टेज है, ये आई है, इनिशियल बोलो या फिर अर्ली बोलो, ई बोलो, और ये क्या है, मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक, तो ये क्या, जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलोटिया, और जब वो डिसीज कॉज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरोट डिसीज या फिर इरोटिज्म, ठीक। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम इसके इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन की, हार्मफुल और यूजफुल दोनों एप्लीकेशन की बात करेंगे। हाँ, इसका यूजफुल एप्लीकेशन बहुत कम है, इसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज है जो कि आपके यूजफुल एप्लीकेशन को शो करता है, वो है क्लासी परपुरिया। ये क्या काम करता है कि ये स्पीसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्यों ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि जो आपके इरोगेटम स्पीसी वो डिसीज होता है, इरोटीटा इरोकेट जो फंगी आती हैं, वो जो डिसीज कॉज करते हैं, तो उन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन इसी से बनाई जाती है, क्लासी परपुरिया से ही बनाई जाती है। ये क्या काम करता है कि एक तरह का ये एल्कलॉइड कंटेन करता है, जिसको इरोटेमाइन बोलते हैं या फिर इरोगेटेम बोलते हैं, ये उसको मेडिसिनली क्या कहते हैं, इसको इसको यूज करके इसको बनाया जाता है मेडिसिनली, और जो इन्फेक्टेड एरिया होते हैं, आइदर इट इज ह्यूमन बीइंग, एनिमल और प्लांट, तो वहां पे उस डिसीज मेडिसिन को उस पर्सन या फिर उस प्लांट में, पर्सन है तो उसको मेडिसिन बना कर देंगे, एनिमल्स है तो उसको लगाएंगे,
और अगर प्लांट है तो उसपे क्या करेंगे, छिड़काई करने का काम करेंगे। हार्मफुल एक्सपर्ट्स देखें, जैसे कि अगर हम देखें दिस दैट पैसिव इन्फेक्ट सेवेलर नंबर्स ऑफ फैमिली पोइसी कॉजेस इरोटिक डिसीज, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, प्रीवियसली वी हैव टू डिस्कस दैट इट इफेक्टेड ऑन द फैमिली पोएसी। द फैमिली पोएसी इंक्लूडेड राइट, द फैमिली पोएसी इंक्लूडेड व्हीट राइस मेज। ओके, उसके बाद सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इरोटेड फंगी, इसको हम इरोटेड फंगी भी कह सकते हैं, चाहे आप इसको क्लैसिव बोलिए या फिर चाहे आप इसको इरोटेड फंगी बोलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आ गया क्लैसिव इज ऑल्सो नोन एज वॉट, इरोटेड फंगी, जैसे कि हमने पेनिसिलियम में पढ़ा था, तो पेनिसिलियम इज ऑल्सो नोन एज वॉट, ब्लू मोल्ड। ओके, ब्लू मोल्ड कहते हैं। तो इसी तरह इसको आप चाहे इरोटेड फंगी बोल सकते हैं। द ग्रेन विच आर इन्फेक्टेड व्हेन कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग और डोमेस्टिक कॉजेस कॉल्ड अ सीरियस इरोटिज्म। ये जो ग्रेन है, जब ये कहते हैं इन्फेक्ट, क्योंकि ये इन्फेक्टेड ग्रेन है, जब ये इन्फेक्टेड ग्रेन अगर मतलब कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई एनिमल कंज्यूम मतलब उसके पास आ जाता है, उससे या फिर उसको गलती उसने चलो खा वो लिया, ठीक, गाय होती है ना जब ग्रेजिंग करने जाती है तो खा वो लेती है, तो अगर खा वो लिया तो क्या होगा, एक बहुत बहुत ही ज्यादा सीरियस डिसीज, अभी मैं डिसीज का दिखाऊंगी भी आप लोग को, बहुत ज्यादा भयंकर है, तो वो एक इरोटिज्म डिसीज कॉज करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। जैसे कि देखो गाय हो जाती है तो आप ऐसे देखे होंगे कि उनकी जो हुक्स हैं, हुक से ब्लडिंग आना शुरू हो गई है, ठीक, तो क्या होता है कि इतने एरिया को कट करवाना पड़ता है, अदरवाइज ये पूरी बॉडी में क्या होता है फैलने लगता है, क्योंकि ब्लड वेसल को इफेक्ट करेगा और खून तो पूरे शरीर में चल रहा है, तो अगर खून जहां तक है अगर वहां नहीं हटाएंगे तो पूरी बॉडी में हो जाएगा, तो फिर जो डोमेस्टिक है या फिर ह्यूमन बीन है वो डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक। ये देखिए इसके पूरे बॉडी, यहां तक तो था, यहां तक भी था, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके पूरी बॉडी में ये फैलने लगा। ह्यूमन बींस में क्या है, ह्यूमन बींस में उनके लेग में शुरू हो रहा है, अभी हैंड्स का भी मैं आपको शो दिखाऊंगी, पहले देखिए हैंड्स का देखिए, तो ये हैंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि कैसे पता चल रहा है, ये जो है उनके यहाँ पे वेसल्स में, क्योंकि अंदर काम करता है तो वेसल्स में क्रिएट होना शुरू हुआ, ये पहला स्टेज था। सेकेंड स्टेज आना कैसे शुरू हुआ कि यहाँ पे उनके फिंगर्स जो है वो ब्लैक होने लगी, ठीक, जो ह्यूमन है उनके फिंगर ब्लैक होने लगी, और ब्लैक होने के बाद थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि अभी तक तो ये नॉर्मल स्टेज चल रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन अब जो ये ज्वाइंट्स हैं, ठीक, जो पैलेट्स हैं, जो ज्वाइंट्स हैं, ये क्या हुए, ज्वाइंट्स में ये स्वेल अप होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आते आते क्या हो जा रहा है कि पूरे अंदर का जो ऑर्गन है वहां पे भी काला काला मोटा मोटा कोना हो गया है, और पूरी उंगली जो है छोटी से मोटी होती जा रही है, ठीक। उसके बाद अगर हम लेग की बात करें तो लेग के बाद देखिए ये किस तरह से हुआ है, इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको पूरा देखिए ब्लड जो है तो छींकता गंदा है, देख लीजिए, सोचिए पूरा ब्लड जो है बाहर आना शुरू हो गया, पूरा पैर एकदम स्वेल अप हो चुका है, फिर ये देखिए अब स्वेल अप तो हुआ था, पूरे पैर जो है काला होने लगा है, ये देखिए कितना ज्यादा एकदम, नहीं टच करने से नहीं, जैसे कि क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ ये डिसीज कैसे होता है, जैसे कि पेड़ खराब है, ठीक, अब वो खराब ही जो फसल हुई है हमारी, ये हमारी फसल थी, ये हमारी फसल हो चुकी है, फसल हो चुकी है, ठीक, अब इसमें से कुछ फसल जो है जैसे कि ये जो फसल है ये क्या हो गई, ये खराब हो गई है, बाकी ये तीन हमारी ठीक है, लेकिन ये फसल हमारी खराब हो गई है, हमने क्या किया, हमने कहा कहते ना अरे छोड़ो ना एक दो दाने से क्या होता है, भोजन बना लो या फिर उसको यूज में ला दो, तो क्या हुआ कि ठीक है हमने तो इग्नोर मार दिया, लेकिन वो आगे चल के डिसीज कॉज कर सकती है, तो उसको जो आपने यूज में लाया उसको जो आप यूज करने लगे तो वो डिसीज कॉज करेगा, वो आप क्या हुआ कि आप उसको खाए वो अंदर गया, अब वो आपके अंदर में आ चुका है, पेट में आपके आ चुका है, अब उसको आपने अपना क्या किया, उसको आपने घर दे दिया कि आओ और मुझे हार्म करो, ठीक।
तो वो आपको हार्म करना स्टार्ट करेगा। एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स जब ग्रेजिंग करती हैं तो वो खाती रहती हैं, तो जब खाती हैं तो अगर कहते हैं उसमें किसी में भी डिजीज हुआ है और उसने एनिमल्स ने उसको खा लिया तो वो उनको शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम। तो इसलिए बेसिकली जब ये ऐसा शुरू होता है ना तो फार्मर्स क्या काम करते हैं, क्योंकि फसल को भी बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए फार्मर्स क्या काम करते हैं कि जो जो इन्फेक्टेड होता है उस इन्फेक्टेड एरिया को क्या करते हैं वो हटा देते हैं कि जिससे बाकी फसल खराब ना हो, वरना पूरी फसल भी खराब जाएगी एज वेल एज ये बीमारी भी बहुत भयंकर फैल जाएगी। एक मिनट ना, दिस कोरोटिया ऑल्सो कंटेन टॉक्सिक एल्कोइड कॉजेज इरोटिज्म विच इन्फेक्ट ब्लड वेसल नर्व सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैम पतली का कैसे प्रॉब्लम पॉसिबल है, हम दवा लगाते होंगे। हाँ मेडिसिन तो डालेंगे ही ना, क्योंकि अगर कहते हैं अगर वो ये कहते हैं फसल है तो फसल ना खराब होने के लिए पहले तो ये कहते हैं आप क्या कीजिए ग्लव्स होता है ग्लव्स ले लीजिए, तो जो उसका इस वो मत छुइए ना, इन्फेक्टेड पार्ट मत छुइए पूरा, आप उसको स्टेम से हटा दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। या फिर जब ऐसे ही तो होता है से जब होता है, क्योंकि ये सब फसल इसी तरह से होती है, तो ये जो एरिया है आप इतना मत काटिए, आपको नहीं काटना है मत काटिए ठीक है। तो ये अगर मानो ये वाला इन्फेक्टेड है तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, जब हम इसको हटा देंगे तो बाकी तुम्हारी फसल बची है ना, रेस्ट ऑफ फसल बची है, साथ ही प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जब आप हुई है वो जो फसल इसे यहाँ यहाँ हुआ है तो आप इस पे पार्ट को हैंड से मत टच कीजिए, इसको यहाँ से टच करके एकदम साइड से पकड़ के फेंक दीजिए या फिर आप इसको बर्न कर दीजिए, हो गया आपका काम, जिससे कि आपके जो डोमेस्टिक हैं एनिमल्स वो उनको भी टच में ना आए ठीक। उसके बाद और क्या ये प्रॉब्लम करता है, देखो ये पहली बात तो हम बात कर रहे थे लगातार उस पर इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग में, और क्या ये कॉज करता है डिसीज, तो ये जो और डिसीज कॉज करता है वो आपका है डायरिया एब्डोमिनल पेन वॉमिटिंग। जैसे कि आपको एक तरह से समझो अगर इसे प्रॉब्लम भी हो रही तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि हाँ अब आपको केयर की जरूरत है, क्योंकि पहले जो आपका इम्यून है जो आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है इम्यून सिस्टम है वो फाइट करना सोचेगा कि जितना हो सके, जब वो फाइट करना थक जाता है जब आपका इम्यून प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है कि अब मेरे लायक नहीं है हम नहीं लड़ सकते हैं, तब वो आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करना शुरू करता है ठीक। तो इससे डायरिया मतलब आपका पेट खराब हो जाएगा, साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन पेट में अजीब सा दर्द होने लगेगा, वॉमिटिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, ये सब चीजें होती हैं। काफी लोग जो होते हैं इंसान होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो वो एक दो स्टेप अगर ये सब हो रहा है ठीक है तो उनको समझ आना चाहिए कि हाँ ठीक है। लेकिन कुछ लोग के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उनकी इम्यून बहुत वीक होती है, तो जिनकी इम्यून वीक होती है उनको बहुत ज्यादा ही केयर करना पड़ता है। इम्यून वीक तभी होती है या तो ये जेनेटिक होती है, बेसिकली सबसे बेसिक चीज इम्यून वीक आपकी जेनेटिक ही होती है ठीक, कि अगर आपके घर में किसी का इम्यून वीक है और जो जीन वो ट्रांसफर आप में हो गया है तो आपको अपनी केयर करने की काफी ज्यादा जरूरत हो जाती है। और ये सब चीजों से इन सब चीजों को पहले भी एक तो बताओ तुम सड़ी हुई चीजों को क्या खाओगे, सड़ी हुई चीजें मिलता ही क्या है, वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो कंटामिनेटेड चीज में आप खाने से आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको हार्म ही करने वाला है ना, तो इससे अच्छा हटा दो उसको ठीक।